साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे कि तांबे के बर्तन में पानी पीने के फायदे क्या हैं। साथियों बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से घर के बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग बताते हैं कि तांबे के पात्र में, तांबे का बर्तन किसी तरह का हो, जैसे कि हमारे पास ये बोतल है, उसी तरह से तांबे का ग्लास भी आता है, लोटा भी आता है, हर तरह के तांबे के बर्तन जो है मार्केट में अवेलेबल है। यूटेंसिल्स की कहीं भी दुकान पे जाएंगे, कॉपर की जो है, तांबे की जो है बोतल, अब तो मतलब बहुत सी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, वो कॉपर की बोतल बनाती हैं और जो है क्या कहते हैं, सभी कंपनियों में सभी दुकान पे अवेलेबल है। साथियों इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सभी को आइडिया है, आइडिया ये है कि इसका पानी पीने से फ़ायदा है, लेकिन आज साथियों हम विस्तार में आपको बताएंगे कि बहुत से फ़ायदे इसके हैं और लगभग जो है बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन 20 फायदे के बारे में हम आपको बताएंगे कि कापर तांबे के पात्र में जो है पानी पीने से क्या फ़ायदा है। साथियों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से क्या है कि मतलब कैंसर की कभी बीमारी नहीं होती और कैंसर प्रिवेंट होता है, मतलब वो जो है एक तरह से इनहिबिट कर देता है ये तांबे के पात्र में जो है। लेकिन साथियों इसके लिए लगभग जो है 8 से 12 घंटे का पानी जो है तांबे के पात्र में रखा हुआ पीना चाहिए। साथियों कहावत है, तांबे के पात्र में अगर पानी अगर रखा है तो वर्षों तक रखा रहेगा, कभी ख़राब नहीं होता है। और उसको जो है क्या हुआ, रात में सपोज दैट आप अगर रख देते हैं, दिन में पियेंगे तो बहुत से फ़ायदे हैं। तो एक तो कैंसर को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ क्या करता है, ये जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड जो महिलाओं में आता है, तो कहने का मतलब है कॉपर हेल्प्स टू रेगुलेट दी वोमन मेंस्ट्रुअल पीरियड हेल्दी, और जो है वो समय पे आता है। तांबे के पात्र में अगर महिलाएं इसको पानी पीती हैं तो उनका MC जो होता है, मासिक धर्म होता है, वो जो है समय पे आता है, किसी तरह का जो है उसमें पेन नहीं होता है। साथियों और क्या होता है कि इसके पानी के पीने से, तांबे के बर्तन के पानी के पीने से जो है साथियों मोटापा नहीं बढ़ता है, तो इसको कह सकते हैं कि हेल्प टू रेगुलेट द ओबेसिटी, मोटापा नहीं बढ़ता है। साथ ही साथ तांबे के बर्तन में पानी पीने से जो है थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड बढ़ता है, वो थायराइड कभी नहीं बढ़ता है। साथियों इसके बहुत ही फायदे हैं, और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत जो है मेंटेन रखता है। तो क्या करता है, तांबे का बर्तन जो होता है उसमें पीते हैं तो हेल्प टू मेंटेन द डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ ही साथ ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से फैट, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलाइट जो है शरीर में जमता नहीं है, और जो है क्या होता है कि शरीर से जो है पानी के माध्यम से जो है टॉक्सिन्स है उनको जो है एक्सक्रीशन भी ये करता है। साथियों साथ ही साथ क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है। कॉपर हेल्प टू मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कहने का मतलब है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसमें हाई नहीं होगा, इसको पीने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से जो है घाव, अगर कभी चोट लग गई है या किसी तरह का पेन है तो घाव बहुत जल्दी भरता है और पेन नहीं होता है, शरीर में दर्द नहीं होता है, तो ये इसका बहुत ही अच्छा फायदा है साथियों। तो इसीलिए तांबे के बर्तन में जो है पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ साथियों क्या होता है कि कॉपर के बर्तन में पानी पीने से क्या होता है कि जो मतलब एंटीबॉडीज़ वो जो है हमेशा बढ़ी रहती हैं, बनी रहती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहती है। तो इसमें जो है पीने से क्या होता है कि मतलब मेंटेन द आवर मतलब बॉडीज़ प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। साथ ही साथ क्या करता है, ये जो है सेल जो डैमेज हो जाते हैं उनको रीजनरेट करता है। तो कहने का मतलब है तांबे के बर्तन में पानी पीने से हेल्प्स टू प्रिवेंटिंग द सेल डैमेज एंड अलाउ द डाउन एजिंग, मतलब जो एजिंग है मतलब वृद्धावस्था है तो उससे जो झुर्रियाँ हैं या इस तरह से जो है तो चेहरे में चमक है वो नहीं जाती है पानी के पीने से। साथियों ये जो है तांबे का बर्तन, जिनको भी झटके आते हैं, सीजर आते हैं, मिर्गी आती है, उनको जो है तांबे के बर्तन में पानी पीने से तो क्या होता है, प्रिवेंट द सीजर, हेल्प टू प्रिवेंट द सीजर, और ये जो है झटके नहीं आते उसमें मदद करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है तांबे के बर्तन पीने से, और जो है आयरन का एब्जॉर्बेशन होता है, शुगर का एब्जॉर्बेशन होता है। साथियों साथ ही साथ क्या होता है कि ब्रेन को जो है हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में, जैसे विद्यार्थी हैं अगर तांबे के बर्तन में पानी पियेंगे साथियों, इस तरह की बोतल में अगर रात में रख दें, सुबह पानी पीते हैं, तो जो उनका माइंड है वो बहुत ही शार्प होता है साथियों,
ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है, बहुत स्टिमुलेट होता है, नई चीज़ें सीखने में बहुत ही जिज्ञासा होती है। और साथ में क्या होता है, इनहिबिट द ग्रोथ एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, जैसे क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो उसकी जो है जैसे पानी पीते हैं आप और किसी भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया में प्रवेश कर गया है, तो ये स्क्रीट करने में बहुत मदद करता है और अननेसेसरी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देता है। साथ ही साथ क्या होता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से अमीबियासिस कभी नहीं होता है, जैसे लूज मोशन होने लगता है, डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है, वाटर बॉर्न डिजीज जो होती है उसको नहीं होने देता है, सारे टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देता है और उसमें तांबा जो है मिक्स हो जाता है उसमें पानी पीने से। तो कहने का मतलब है डायरिया नहीं होगी, कॉलरा नहीं होगा कभी, और जो है जॉइंटिस नहीं होती है, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होती है। साथियों तांबे के बर्तन में पीने से जो है पानी जो ओल्ड एज होते हैं, जेरियाटिक होते हैं, रिकवरी होते हैं, उनको आर्थराइटिस भी ठीक करने में मददगार होता है और जो है इन्फ्लामेशन नहीं होता है, जोड़ों की हड्डियों में किसी तरह का जो है दर्द नहीं होता है। और क्या होता है, डीजनरेटिव डिजीज नहीं होती, जैसे हार्ट डिजीज कभी नहीं होगी, और जो है ऑटो इम्यून सिस्टम ठीक रखता है, आर्थराइटिस नहीं होते, कैटरेक्ट मोतियाबिंदुआ नहीं होता है, एल्जाइमर डिजीज नहीं होती, और बीमारी जो है जो आजकल चली हुई है कि एक एज के बाद जो है शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके पीने से क्या होता है कि शुगर जो है मतलब ना के बराबर रहेगा, अगर किसी को है तो उसको मेंटेन रखता है, शुगर बढ़ता नहीं है। साथियों तांबे के बर्तन में पीने से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है और बोन जो है स्ट्रांग होती हैं और इम्यूनिटी जो है बिल्ड होती है, और जो है इससे क्या होता है इनहिबिट द ग्रोथ हार्मफुल ऑफ बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी जो है ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके बहुत ही साथियों फायदे हैं, कहीं भी आप जाएंगे तांबे की बोतल आसानी से मिल जाएगी, बहुत चीप एंड बेस्ट होती है। साथियों जो हमारे पास ये क्या कहते हैं बोतल है, ये हमने परचेज की थी, जो इसकी MRP है 999 थी, और इसमें 1 लीटर पानी आता है साथियों, पर ये हमको जो है 599 में मिल गई थी मार्केट में। और इसको वाश करना बहुत आसान है, डायरेक्शन फॉर यूज करना बहुत आसान है, आप ग्लास में भी लेके पी सकते हैं, अदरवाइज ऑफिस वगैरह में जाके ऐसे ही पी सकते हैं इसको। और ये जो है डॉक्टर कापर के नाम से जो है एक ब्रांड था उससे हमने ली है, अदरवाइज बहुत इसके ब्रांड हैं, सभी जगह मिल जाएगी साथियों। और इसके पानी पीने से जो है बहुत ही फायदे हैं, किसी तरह की बीमारी कभी नहीं होगी। तो साथियों किसी तरह की क्वेरी हो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।